कॉलोनी में बढ़ रही वेश्यावृत्ति के खिलाफ कांग्रेसी विधायक असलम शेख ने विधानसभा में उठाया मुद्दा, कहा नहीं दिखी पुलिस की कभी ऐसी लाचारी। मालवणी एक नंबर पर बना बस स्टॉप इन दिनों वेश्याओं का अड्डा बन गया है, जिससे वहां से गुजरने वाले लोग त्रस्त हो गए हैं। आलम यह है कि वहां से गुजरने वाली शरीफ घरों की महिलाएं भी कमेंट और छेड़छाड़ की शिकार हो रही हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद भी मालवणी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होती देख स्थानीय विधायक असलम शेख ने पिछले दिनों वेश्यावृत्ति का मुद्दा विधानसभा में उठाया। असलम शेख का कहना था कि वेश्यावृत्ति रोकने में पुलिस नाकामयाब रही है और पुलिस को इतना लाचार कभी नहीं देखा। अध्यक्ष महोदय, परिस्थिति अशी झाली, अध्यक्ष महोदय पुलिस ची लाचार की एवढी कधीच बघण्यात आली। अध्यक्ष महोदय, या रोड वरती माझा ऑफिस आहे, माझे ऑफिस समोर। अध्यक्ष महोदय, ते गृहमंत्री जर कोणी आपण सरकारला निर्देश द्यावं, माझे ऑफिस समोर रश्य उभे राहतात, कदाचित पाऊस पडला ऑफिसचे आतमध्येही घुसतात आणि पोलीस काहीच करू शकत नाही। पोलिसांनी एक दोन केसेस केले आणि त्यानंतर काही त्यांच्याकडून होत नाही। अध्यक्ष महोदय, आपण या मुंबई शहराला काय निर्देश देणार आहात? अध्यक्ष महोदय, एक बस स्टॉप वरती कोणी उभं राहू शकत नाही। कुठली महिला तिकडे उभी राहायला गेली, बस स्टॉप वरती जात असतात, त्यांना लोक विचारतात काय बाबा तुमचं काय, अशी परिस्थिती आज झालेली। अध्यक्ष महोदय, सागर तिकडे माझे समोर शेजारी राहतात, त्यांना विचार काय परिस्थिती आहे। एकही बस स्टॉप मला स्टेशनला कोणी उभं राहू शकत नाही। बता दें कि पुलिस ने कुछ समय पहले आक्सा और मढ़ के लॉजों में ऐसी ही शिकायतों पर छापेमारी की थी, किंतु सोशल मीडिया ने पुलिस को इस शक के दायरे में खड़ा कर दिया था। साथ ही पुलिस की इस कार्रवाई की काफी आलोचना भी की गई और कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाई थी। पुलिस के असफल रहने के पीछे यह भी एक कारण माना जा रहा है। कैमरामैन दीपक उपाध्याय के साथ उत्तम पांडे, सुर्खियां न्यूज़।